तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लेके आया हूँ कमाल की वीडियो, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ओप्पो के न्यू अपकमिंग बजट रेंज स्मार्टफोन के बारे में। आपको पता है ओप्पो ने हाल ही में अपने बैक में दो तीन जो है स्मार्टफोन को लॉन्च किया, जिसमें से आपको पता है F17 प्रो, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन है और बहुत ज़्यादा डिमांड में भी थे। और फिर से उसने A53 के भी दो वेरियंट लॉन्च किए थे। और फिर से जो है ओप्पो एक बजट रेंज में अपना स्मार्टफोन जो है इंडियन मार्केट में लाने को तैयार है, और इस फ़ोन का जो नाम है ओप्पो का A15 होने वाला है, जो कि अमेजोन पे भी लिस्ट हो चुका है। फोन के अंदर बहुत से आपको ऐसे फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि एडवांस आपको आज के डेट में मिलने चाहिए, और साथ ही साथ फोन के अंदर आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशन भी मिलेंगे। तो इस वीडियो में आपको ओप्पो A15 की सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ, तो आगे इस वीडियो में बनी रही है और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ओप्पो का जो A15 है, ये एक आपको बजट रेंज स्मार्टफोन है जो कि आपको अमेजोन पर भी लिस्ट हो चुका है। फोन जो है आपको अंडर 10,000 में ही देखने को मिल जाएगा। फ़ोन जो इस बार पहले से अपग्रेड होकर आया है, पहले जो आपको ओप्पो का A12 मिलता था, A5 और A5S मिलता था, उन्हीं की जगह ये फ़ोन आने वाला है। तो आपको एक बजट रेंज स्मार्टफोन ओप्पो की तरफ से दिया जाएगा। तो चलिए फ़ोन के आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। फ़ोन के बैक पैनल में देखा जाए तो इसके अंदर आपको स्क्वायर कट कैमरा सेटअप मिलता है। इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा, इसमें से जो प्राइमरी कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है, बाकी जो दो कैमरे हैं वो 2 मेगापिक्सल डेप्थ और मैक्रो शॉट्स के लिए दिए गए हैं। फ़ोन के बैक पैनल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइड में आपको 2.5D कर्व डिस्प्ले जैसा आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। इसका बैक पैनल आपको पता है पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आएगा। साथ ही साथ फ़ोन के अंदर आपको जो है नीचे स्पीकर ग्रिल मिल जाएगा, 3.5 mm जैक मिल जाएगा, और साथ ही साथ फ़ोन के अंदर इस बार आपको टाइप सी का जो है सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। फ़ोन के अंदर आपको जो है तीन कार्ड स्लॉट, ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, जिसके अंदर आप ड्यूल सिम भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ 256 GB तक मेमोरी कार्ड को भी जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। फ़ोन के फ्रंट पैनल की बात करें तो फ्रंट पैनल में इसके जो डिस्प्ले आपको दी गई है, वो आपको 6.22 इंच की एक HD+ डिस्प्ले दी गई है, जो कि आपको पता है 720:1500 रेजुलेशन के साथ आपको आती है। फ़ोन की डिस्प्ले जो है बड़ी है, बिग है, और इसमें अगर आप वीडियो वगैरह वॉच करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस वह है HD डिस्प्ले, फुल HD होती तो ज़्यादा आपको मज़ा आता है, लेकिन कोई नहीं, HD+ है। साथ ही साथ इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। फ़ोन के प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक का हेलियो P35 जो है आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले फ़ोन जो है ओप्पो के A12 में पहले ये प्रोसेसर आपको देखने को मिला होगा, और A5S में भी सेम प्रोसेसर आपको दिया गया था। इस बार जो है प्रोसेसर का थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, डिसेंट प्रोसेसर है और कम रेंज बजट में अगर ये प्रोसेसर आ रहा है तो डिसेंट सा वर्क करेगा। डेली यूजर्स के लिए आपको नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। साथ ही साथ फ़ोन की बैटरी की बात करें तो फ़ोन के अंदर आपको 4230 mAh की बैटरी भी दी गई है, जो कि डेली यूजर्स में बहुत है। इसके कारण फ़ोन जो है बहुत ही आपको इस बार स्लिम देखने को मिलेगा। अगर 5000 mAh की बैटरी होती तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन 4230 mAh की बैटरी है तो डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन आपको हैंडी मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा स्लिम भी दिखाई देगा। फ़ोन को चार्ज करने के लिए इसके अंदर आपको 10W का चार्जर भी दिया जाएगा, जो कि एक फास्ट चार्जर नहीं है, लेकिन 4230 mAh की बैटरी है तो उसको चार्ज करने के लिए एक डिसेंट सा आपको जो है चार्जर आपको मिल रहा है। साथ ही साथ बताने जा रहा हूँ कि फ़ोन इस बार बहुत ही ज़्यादा स्लिम होने वाला है। बैक पैनल देखे जाए तो लुक में बहुत अच्छा है, ये आपको रियलमी नार्जो 20 जैसा ही आपको देखने को हूबहू लगेगा। दो तीन कलर में ये अवेलेबल होगा, जिसमें से ब्लैक, ब्लू और जो है वाइट कलर में आपको फ़ोन मिलेगा। साथ ही साथ फ़ोन के वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। जो पहला वेरिएंट होगा वो 3 GB RAM 32 GB स्टोरेज के साथ आएगा, और साथ ही साथ जो दूसरा वेरिएंट होगा वो 3 GB RAM और 64 GB स्टोरेज के साथ आपको मिलेगा। ये फ़ोन आपको अंडर 10,000 में ही देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं ओप्पो से किस प्राइस में लॉन्च करता है। फ़ोन की कोई ऑफिशियल डेट निकल के नहीं आई है, लेकिन 15-16 तारीख तक ये फ़ोन आपको जो है इंडियन मार्केट में ईजिली आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। फिलहाल के लिए फ़ोन के अंदर जो है यही स्पेसिफिकेशन अभी तक जो है लीक हुई है। आने वाली वीडियो में अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को जो है सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में।